Hello friends, welcome to online tutorial. Today's my topic is fundamentals of computer. Today we will discuss what is computer, characteristics of computer, limitations of computer, generations of computer, block diagram of computer, types of computer, input output devices, and storage devices. What is computer? Definition of computer. A computer is an electronic device which takes input from the user, process it, and gives the output as per user requirements. Computer is an electronic device. Meaning, computer requires electric power. Computer का कोई भी component है, उसको electric power चाहिए. Computer user से data input लेता है. जो भी यूजर डेटा इनपुट देता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट देता है. अनदर डेफिनेशन, इट इज अ मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम. कंप्यूटर को डिवाइस एज वेल एज मशीन भी बोला जाता है जो प्रोसेसेस भी करता है, कैलकुलेशंस भी करता है और अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से. अब जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो उस दौरान या तो आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो और उसके साथ कोई ना कोई हार्डवेयर जुड़ा हुआ होता है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये इनपुट दिया जा रहा है कीबोर्ड के माध्यम से, या तो कीबोर्ड या माउस का इस क्षेत्र इस्तेमाल होता है. लेकिन जब हम डेटा इनपुट करना होता है तो ज्यादातर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो कंप्यूटर में पास होगा. आपके इनपुट के हिसाब से आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके हिसाब से आपका डेटा प्रोसेस होगा. उसके लिए उसमें प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आपका डेटा जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो आउटपुट देता है. आउटपुट एज ए ऑन स्क्रीन, ज्यादातर हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखते हैं. मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्ड कैसे आया? कंप्यूटर इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मींस टू कैलकुलेट, टू काउंट, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर. माने ये कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन कंप्यूटर वर्ड में से निकाला गया है और उसका मतलब है कोई ना कोई कैलकुलेशंस करना, काउंट करना या थिंक करना. मानी इट विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एज वेल एज इट विल डू सम थिंकिंग ऑल्सो. इसीलिए कंप्यूटर्स को बोला जाता है डिवाइस दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन. मोर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर. सबसे जो पहला कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया? आप इस फिगर में देख सकते हो कंप्यूटर हैज बीन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज द ईयर ऑफ 1834 to 1846. उस टाइम पीरियड में इस टाइप का कंप्यूटर था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजिन, जिसमें पंच कार्ड्स का भी इस्तेमाल होता था जो रीड ओनली मेमोरी था, मानी वो उसमें डेटा रीड ही होता था.
और इसी वजह से सबसे पहले ये कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज ने बनाया था, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सेकंड पॉइंट इज, व्हाट डज द इनसाइड ऑफ अ कंप्यूटर लुक लाइक। आपने कंप्यूटर बाहर से तो देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा इस फिगर में हम अंदर से देख लेते हैं। कंप्यूटर की जो कैबिनेट होती है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आप सीडी और डीवीडी होता है, तो उसके लिए जो ड्राइव होती है वो आप देख रहे हो कि वो ये सीडी डीवीडी ड्राइव है। यहाँ पे जो है वो है हार्ड ड्राइव, दैट इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क वी आर गोइंग टू से, जिसका कनेक्शन केबल के माध्यम से मदरबोर्ड के साथ होता है, पावर सप्लाई भी होता है, तभी ये सारे कंपोनेंट्स चल सकते हैं। तीसरा पोर्शन आप देख रहे हो मेमोरी, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं मेमोरी की नजरिए से। उसके बाद मदरबोर्ड, सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से, इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया है। जो ग्रीन कलर का बोर्ड है वो मदरबोर्ड है। एंड दिस इज कॉल्ड द वीडियो कार्ड, उसका कोड यहां लगता हुआ है। ये कार्ड अटैच होता है मदरबोर्ड पे। दिस इज कॉल्ड द हीट सिंक फैन सीपीयू, प्रोसेसर के ऊपर फैन होता है जो हीट जनरेट होती है, प्रोसेसर को कूल करने के लिए फैन होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एसएमपीएस, पावर सप्लाई इज हियर। हम देखते हैं कि केबल लगाते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर देता है, तो ये पावर सप्लाई है, यहां से सारे पावर्स दूसरे कंपोनेंट्स को दिए जाते हैं। और पॉइंट इज, व्हिच लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज जीरोस एंड वंस, मींस द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो भी प्रकार का डेटा इनपुट लेता है, चाहे आपने कीबोर्ड से दिया है माउस से, लेकिन वो उस डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी में, माने कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, या तो जीरोस एंड वंस उसके कॉम्बिनेशन को। इसीलिए कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी कंपोनेंट्स, बट द मेन टू कंपोनेंट्स कैटेगरी इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको बोलते हैं, तो कि हार्डवेयर इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसको हम फिजिकली यूज कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड माउस, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। आगे हमने देखा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, दीज आर द फिजिक, दे हैव द फिजिकल स्ट्रक्चर्स। इसकी मेन कैटेगरीज होती है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। और एग्जांपल्स में देखे तो प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद द सीपीयू, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द हार्डवेयर। नेक्स्ट इज द सॉफ्टवेयर इज देयर। सॉफ्टवेयर एक्टिव इज द हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी उसके हिसाब से प्रोसेस होगा आपका डेटा। जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसका ग्रुप को बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स के ग्रुप को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स आर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, योर ब्राउजर गूगल क्रोम, फोटोशॉप, MySQL एक्सेट्रा। सेकंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। We are using computer because of its characteristics. These characteristics we are going to discuss. First one is the automatic. It works by itself without human intervention. मानिए अगर आपने एक बार उसको कमांड दे दिया, उसके बाद वो सारा काम अपने आप करेगा।
ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं। एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है, उसके बाद वो सारा काम अपने आप करता है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तब आपके इंस्ट्रक्शंस को वो लेता है और उसमें जो प्रोग्राम फीड होता है वो आपके इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके उसको प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देता है। सो ऑल टास्क आर गोइंग टू बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर ऑटोमेटिक। सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। हमारे से हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती होती है। ह्यूमन बीइंग कैन डू द मिस्टेक लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर एरर दे रहा है, कंप्यूटर गलती कर रहा है। गलती कंप्यूटर नहीं करता है, हम गलत डेटा इनपुट करते हैं इसकी वजह से कंप्यूटर गलत आउटपुट देता है। कंप्यूटर तो अपना काम जैसा आप डेटा देते हो उस हिसाब से वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। हम जो एक काम करने के लिए एक साल निकाल देते हैं सपोज, वही काम वो कुछ सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। तो उसकी स्पीड है उसका मेजरमेंट होता है मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड, पाइको सेकंड्स। आपने अलग अलग प्रोसेसर के नाम भी सुने हुए i3, i5 इज देयर। ये प्रोसेसर्स नए नए क्यों आते हैं मार्केट में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। हम बोल सकते हैं कि भाई इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेवरल बिलियन सीरीज सिमिलर सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशंस पर सेकंड। डिलीजेंस, ह्यूमन बीइंग एट द सेम मोमेंट कैन डू ओनली वन वर्क। जैसे आप लिख रहे हो आप पढ़ नहीं सकते, अगर आप पढ़ रहे हो तो लिख नहीं सकते, लेकिन एक ही टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है और उसमें जो एक्यूरेसी होगी वो भी परफेक्ट होगी, मीन्स एक्यूरेट आउटपुट विल बी देयर और उसकी स्पीड भी सेम रहेगी। आप गाना सुन रहे हो कंप्यूटर में, वर्ड में टाइप कर रहे हो, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल रहे हो, तो अलग अलग काम आप एक ही कंप्यूटर से ले सकते हो। उस दौरान उसकी स्पीड और एक्यूरेसी इक्वली रहती है। ऐसा नहीं कि भाई टाइप कर रहे हो तब प्रिंटर स्लो चलेगा, प्रिंटर के प्रिंटर अपना काम करता है, प्रिंटर को कमांड आप देते हो, आप वर्ड की फाइल को प्रिंट करते हो तो प्रिंटर अपना काम करता है, तब उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बदल नहीं जाती है कि भाई गाना आप वर्ड में टाइप करते हो तब प्रिंटर कुछ दूसरा कुछ चीज प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है, जो कमांड आपने दिए वही वो प्रिंट करेगा, जो डेटा आप प्रिंट करो वही वो प्रिंट करेगा। मानी आप एक ही कंप्यूटर को एक से ज्यादा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ह्यूमन बीइंग जब एक से ज्यादा काम करता है तब वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर को भी थकता नहीं। वर्सेटैलिटी, इट कैन परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। कभी आप पेरोल स्लिप्स बना रहे हो उसके अंदर, कभी आप उसमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रिक बिल्स बना रहे हो, अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो अलग अलग टाइप के वो काम कर सकता है। देखिए हम कोई एक ही काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्सेटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। हम एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का, एक वीक का याद रख सकते हैं, लेकिन अगर एक साल के पहले आपने क्या खाया था, किनसे मिले थे, वो सारी चीजें याद रखना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं रख सकते। लेकिन कंप्यूटर में आपने आज जो भी कोई स्टोर डेटा किया होगा, एक दिन, एक वीक या एक साल के बाद आप वही डेटा आपको वहीं पे मिलेगा, उसमें ना तो कोई चेंज होगा। That is called the power of remembering. That is possible because of the secondary storage, like a example is hard disk. Computer की जैसे characteristics है वैसे उसकी limitations भी है।
जैसे कि फर्स्ट वन इज नो आईक्यू, कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है, यानी कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो अपने आप कोई चीज सोच नहीं सकता कि उसको कैसे काम करना है, आपको उसको बताना पड़ता है कि उसको क्या करना है, उसको सीक्वेंस देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। सेकंड लिमिटेशन इज द नो फीलिंग्स, कंप्यूटर फीलिंग्स के हिसाब से नहीं काम करता है। जैसे आज मुझे किसी से काम लेना है तो उस दौरान फीलिंग्स के आधार पे भी काम होता है, लेकिन सपोज आपने कंप्यूटर में लिखा कि 5 + 3, आप बोलोगे कि अपने आप इक्वल टू 8 हो जाए तो वो अपने आप नहीं होगा, यू हैव टू प्रेस द इक्वल की, देन इट विल गिव यू द आउटपुट एज 8। तीसरी लिमिटेशन है नो लर्निंग पावर, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सीख सकता, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम के माध्यम से ही काम करता है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देनी है उसको प्रोग्राम के माध्यम से, तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से वो काम करता है, नया कुछ अपने आप नहीं सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेप इन टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे उसके अंदर रिसर्च हुआ वैसे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स बनाए गए। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, उस दौरान वो कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस करते थे मिलीसेकंड्स में, हीट ज्यादा जनरेट करते थे बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स, यू कैन सी हियर वैक्यूम ट्यूब्स आर देयर, मेंटेनेंस ज्यादा लगता था, कॉस्ट भी ज्यादा था और कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज द इन द ईयर ऑफ 1956 to 1963, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर ट्रांजिस्टर्स आए, उनकी स्पीड बढ़ गई, कैलकुलेशंस माइक्रोसेकंड्स में परफॉर्म करने लगे और लेस पावर कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन जिसमें इनोवेशन हुआ आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, द ईयर ऑफ 1964 to 1971, जनरल पर्पस कंप्यूटर में के हिसाब से कंप्यूटर का यूज होने लगा। उसी दौरान हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट इज अ कोबोल एंड फोर्ट्रान वेर इंट्रोड्यूस, इसमें प्रोग्राम लिखे जाते थे और इंप्लीमेंट होते थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 1972 to 2010, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, यू कैन सी हियर द फिगर, जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स उसमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, दे आर द चिप्स ऑफ LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, उनकी साइज बहुत छोटी होती है इसलिए कंप्यूटर की साइज भी छोटी है होती है, मीन्स साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इज वेरी स्मॉल, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एयर कंडीशन, हमारे घर पे जो कंप्यूटर होते हैं उसके लिए AC की रिक्वायरमेंट कंपल्सरी नहीं होती है, और प्राइस उसमें कम हो गई जिसकी वजह से सब लोग परचेस कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज दैट 2010 एंड ऑनवर्ड्स, जिसमें AI का कंसेप्ट हुआ इंप्लीमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 100 एंड मोर देन मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन ULSI चिप। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज वर्क डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मीन्स हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट कंप्यूटर रिसीव्स इनपुट थ्रू द इनपुट यूनिट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट विच इज मेड अप ऑफ द टू स्टोरेज यूनिट्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी, देन इट विल बी प्रोसेस इनसाइड द CPU which is made up of two parts, control unit and arithmetic logic unit,
and you will get the output through the output unit on the output devices, you will get the results. In detail, input unit, it accepts instructions and data through the input devices, like a majority keyboard and mouse are going to be used. जो भी आप इनपुट देते हो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो फॉरवर्ड करता है. आउटपुट यूनिट जो आउटसाइड वर्ल्ड को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो कंप्यूटर जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है जो स्टोरेज यूनिट में होता है उसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करने का काम आउटपुट यूनिट का होता है. स्टोरेज यूनिट विच इज मेड अप ऑफ टू यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज द रैम एंड मेजोरिटी रैम एंड हार्ड डिस्क इज देयर. इसके अंदर आपका डेटा टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर होता है. एंड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच इज मेड अप ऑफ द टू पार्ट्स, एएलयू एंड सीएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जहां पे अरिथमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि कंडीशन चेकिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अदर ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर देयर. और ये सारे जो यूनिट्स है उनको कंट्रोल करने वाला जो यूनिट होता है उसका नाम है कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज types of computer. Mainly computer is divided into three types: analog, digital and hybrid. Digital is further divided into subtypes: PC, microcontroller, super, mainframe, server computer and smartphone. So let us go with the types of computer. First one is the analog computer. You can see here the design of the analog computer is there. Analog computer are designed to process the continuous data. यानी उसमें जो data input किया जाता है, जो accept वो करता है, वो continuous उसमें होता है. Data क्या हो सकता है? Either speed can be there, temperature can be there, current can be there, pressure can be there. जैसे कि हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो उसमें स्पीड या तो बढ़ती है या तो कम होती है. दैट इज कॉल्ड द एनालॉग कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर और पीसी इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर्स विल नॉट एक्सेप्ट द डेटा इन कंटिन्यूअस वे, इट एक्सेप्ट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स मेजोरिटी. It is working on the concept of on and off, means zeros and ones, means because it understands the language binary. जो भी वो result provide करता है वो accurate होता है, मानी perfect result you will get as per the data has been given. और output मिलता है वो human readable form में मिलता है. Digital computer is divided into subtypes. First one is the our PC is there, personal computer, जो general purpose के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज देयर, मेमोरी यूनिट इज देयर, स्टोरेज एरिया इज देयर, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स आर देयर. यू कैन सी हियर डेस्कटॉप कंप्यूटर, दिस इज द लैपटॉप कंप्यूटर, दिस इज आर कॉल्ड द पर्सनल कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वन इज द माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर इज देयर. रास्पबेरी पाई इज द वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर. दे आर द वेरी स्मॉल एम्बेडेड सिस्टम्स आर देयर, जिसके अंदर डेटा इनपुट किया जाता है लेकिन एक प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है. वो प्रोग्राम फिर वैसे ही काम करता है जिसकी अपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है. कार में भी ये टाइप का एम्बेडेड सिस्टम्स आपको देखने को मिलता है. इट हैज मिनिमल मेमोरी एंड मिनिमल प्रोग्राम लेंथ. थर्ड कंप्यूटर इज द सुपर कंप्यूटर. इस कंप्यूटर को ही सुपर बोला जाता है बिकॉज दे आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स आर देयर. दे कैन परफॉर्म
trillions of instructions in a second. ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड परफॉर्म द पैरेलल प्रोसेसिंग. इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, मानी ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं. सबसे पहला जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो रोजर क्रे ने बनाया इन द ईयर ऑफ 1976, और भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया विजय भाटकर इन द ईयर ऑफ 1981 परम 8000 एंड परम 10000 इन द ईयर ऑफ 1998. नेक्स्ट इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर. इज दैट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स विल सपोर्ट द हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मानी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर्स को वो साइमल्टेनियसली सपोर्ट कर सकता है, उनके वर्क को प्रोसेस कर सकता है. ये कंप्यूटर ज्यादातर बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर्स. जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई नया ये नेट बैंकिंग वगैरह, ये सभी जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स आर देयर, उस दौरान बहुत सारे यूजर्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने के लिए सर्वर कंप्यूटर्स आर देयर. इज द कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम में क्या डिफरेंस है? मेन फ्रेम आर मोर पावरफुल देन सुपर कंप्यूटर्स बिकॉज दे सपोर्ट मोर साइमल्टेनियस प्रोग्राम्स, मानी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को वो साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है, जबकि सुपर कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन मेन फ्रेम. सुपर कंप्यूटर है वो एक ही प्रोग्राम को मेन फ्रेम से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, लेकिन एक ही प्रोग्राम को, जबकि मेन फ्रेम एक से ज्यादा. नेक्स्ट इज द सर्वर कंप्यूटर. इज देयर सर्वर कंप्यूटर किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स जो उसके साथ नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके. फॉर एग्जांपल, आप जो वेबसाइट ओपन करते हो तो उस दौरान आपके कंप्यूटर को क्लाइंट बोला जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट आप ओपन करते हो उसमें जो वेब पेज आपको दिखता है वो आपके कंप्यूटर में नहीं होता है, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर में से जो आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है वहां से वो पेज नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है. तब वो जो वेब पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की होती है वो कहां से आता है? वो सर्वर कंप्यूटर में से. तब आपके कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर बोला जाता है, और जहां से आपको सर्विस मिलती है उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर. फॉर दैट नेटवर्क इज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल्स है वेब सर्वर, डेटा सर्वर एंड क्लाउड सर्वर. नेक्स्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड ए स्मार्टफोन. आपका जो स्मार्टफोन होता है उसको भी कंप्यूटर बोला जाता है. छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है या तो iOS और एंड्रॉइड बेस, यानी आईफोन OS और एंड्रॉइड. उसमें आप इनपुट भी दे सकते हो आइदर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड. इज देयर पुराने जमाने में हम जो कीज इस्तेमाल करते थे मोबाइल में, अभी भी कुछ मोबाइल्स ऐसे यूज होते हैं जिसमें कीपैड होता है, बाकी हम टच गेस्चर के द्वारा, माने टच पैनल के द्वारा हम इनपुट देते हैं, या तो जो कीपैड हमको देखने को मिलता है वो होता है क्वेरिटी बेस. स्मार्टफोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर. लास्ट मेन टाइप इज द हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड मीन्स वॉट? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. उसमें स्पीड जो आपको मिलती है वो एनालॉग कंप्यूटर से और एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर से. दे आर मोस्टली यूज स्पेशलाइज एप्लीकेशन वेयर द इनपुट डेटा इज इन एनालॉग फॉर्म, जिसमें डेटा इनपुट होता है एनालॉग फॉर्म में,
और कन्वर्ट होता है डिजिटल में. एग्जाम्पल इज द मॉडेम. और नेक्स्ट पॉइंट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. आगे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट जो कनेक्टेड होती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ. व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइस पहले हम डिस्कस करेंगे. इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, तो क्या डेटा इनपुट लेना, और जो इनपुट ये डिवाइस लेती है वो फॉरवर्ड करता है सीपीयू को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. डिवाइसेस आर फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड इज देयर. कीबोर्ड में जो डेटा इनपुट किया जाता है वो की के माध्यम से किया जाता है. ज्यादातर क्वेरी लेआउट इज देयर. कीबोर्ड बना हुआ होता है अल्फा न्यूमेरिक इज सराउंडेड बाय नंबर्स सिंबल्स अदर कीज आर देयर और फंक्शन कीज आर देयर. और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है यूजिंग पोर्ट्स PS2 USB ब्लूटूथ और वायरलेस कम्युनिकेशन. सेकंड इनपुट डिवाइस इज द माउस इज देयर. माउस को हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है. माउस के माध्यम से आप कोई किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हो अक्रॉस द स्क्रीन. इसको हम बोलते हैं कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन. माउस को फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल किया जाता है. माउस में दो प्रकार के बटन होते हैं लेफ्ट एंड राइट एंड बिटवीन बटन इज देयर दैट इज फॉर द स्क्रॉलिंग पर्पस मेजोरिटी इज यूज. थर्ड इनपुट डिवाइस इज द जॉयस्टिक इज देयर. It is also a pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen. ज्यादातर इसका इस्तेमाल गेमिंग में होता है और ये एक प्रकार की स्टिक होती है जो आप यहां दिख रहे हो. That is the stick is there having a spherical ball at the lower and upper ends. और ये सॉकेट होता है यहाँ पे स्टिक को मूव किया जाता है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है स्क्रीन के ऊपर. गेमिंग पर्पस के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है और या CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है. और इसके फोर डायरेक्शंस होते हैं मानी अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. नेक्स्ट इज स्कैनर इज देयर. स्कैनर का काम क्या होता है. स्कैनर यूजेस द पिक्चर्स एंड पेजेस ऑफ टेक्स्ट एज इनपुट. स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है या पिक्चर होता है उसको स्कैन करता है और डिजिटल फॉर्मेट और फाइल में कन्वर्ट करता है. माने आपने कोई कागज में कोई चीज लिखी हुई है पेन से उसको आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है एज ए फाइल. तो दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग द स्कैनर. डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स आर देयर. यू कैन सी फ्लैट बेड स्कैनर इज देयर. हैंडल स्कैनर इज देयर. Sheet fed scanner is there and photo scanner is there. Fed based scanner में उसका जो surface होता है वो flat होता है. Handheld scanner मानी आप कोई भी पेज पे जो भी लिखावट है उसको particular कोई भी text को कोई भी document में कुछ भी लिखा हुआ है उसको scan करना है तो handheld scanner के माध्यम से आप उसको scan करके convert कर सकते हो digital file में या फॉर्मेट में. शीट फेड स्कैनर में आपको कागज इस तरीके से फेड करना होता है पूरा कागज यहां से स्कैन होके यहां से निकलता है और फाइल में कन्वर्ट हो जाता है. और फोटो स्कैनर इज देयर टू स्कैन द फोटोग्राफ्स. और भी स्कैनर्स होते हैं जैसे कि MICR इज देयर. उसका काम क्या होता है तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आपको दिख रहा है जो बैंक का चेक है जहां पे ये कोड होता है उसको MICR कोड बोलते हैं. जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो क्लियरिंग हाउस में जाता है और वहां से ये MICR का इस्तेमाल करके इस कोड को वो स्कैन करके उसका डेटा सॉफ्टवेयर में फेड होता है. ये आप स्कैनर यहाँ पे देख रहे हो ये MICR कोड
जो आपके चेक के ऊपर नीचे बॉटम में होता है, वो मैग्नेटिक इंक का होता है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज द MICR कोड, और उसके लिए जो उसको रिकॉग्नाइज करने वाला होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इट कैन प्रोसेस 300 चेक्स इन ए मिनट विथ 100% एक्यूरेसी एंड मोर देन इट कैन बी देयर। नेक्स्ट यू कैन सी हियर द दिस स्कैनर इज कॉल्ड एज द OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका काम क्या होता है, तो कि इट स्कैन इमेजेस ऑफ हैंड रिटन टाइप और प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू द डिजिटल टेक्स्ट। आपने जो कोई हैंड रिटन कुछ लिखा होता है या प्रिंटेड कोई टेक्स्ट होती है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको अगर स्कैन करना है और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो स्कैनर को उसके ऊपर मूव करना है और वो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है OCR सॉफ्टवेयर, जो कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट्स को इनटू ए टू कलर ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज कॉल्ड द बिटमैप, जिसमें जो डार्क एरिया होता है वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होता है, लाइट एरिया को बैकग्राउंड माना जाता है। ज्यादातर इसका जो कन्वर्जन होता है वो PDF में होता है। नेक्स्ट इज द बारकोड्स इज देयर। ज्यादातर हम मॉल में जाते हैं कोई चीज परचेस करने, तब वो लोग बिल प्रिपेयर करते हैं, उस दौरान हर एक चीज के पीछे बारकोड होता है। इस स्कैनर के माध्यम से वो इस बारकोड को रीड करते हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स, उसकी प्राइस है, उसका नाम है, वो सॉफ्टवेयर में पेड हो जाती है और फिर दे विल प्रिपेयर द बिल। बारकोड हम बुक्स के पीछे भी देखते हैं, जिसको हम स्कैन करके उसकी सारी डिटेल्स, जानकारी, इंफॉर्मेशन जो फेड की होती है वो हमें मिल सकती है। ज्यादातर इट स्कैन्स द बारकोड इमेज, कन्वर्ट्स इट इनटू द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू विच इज देन फेड टू द कंप्यूटर। अनदर स्कैनर इज द OMR इज द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ज्यादातर जो एग्जाम्स में हम अपियर होते हैं उसमें OMR शीट हमको दिया जाता है, उसमें हमको आंसर फिल करने होते हैं या तो पेन या पेंसिल से, और जो हमने आंसर्स फिल किए होते हैं वो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, वो उसको स्कैन करता है। और वो डिटेक्ट कैसे करता है, तो ही डिटेक्ट्स अ रिफ्लेक्शन और लिमिटेड लाइट्स ट्रांसमिशन ऑन और थ्रू ए पीस ऑफ पेपर। माने जो आंसर्स आपने फिल किए होते हैं उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो आंसर्स को वो वेरीफाई करता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, और अगर उस हिसाब से आपका मार्क्स का टोटल लगता है और आउटपुट कुछ ही टाइम पीरियड में मिल जाता है। मानी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऐसी OMR शीट्स स्कैनर के माध्यम से प्रोसेस की जाती है, इसीलिए अभी हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। माइक्रोफिन इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। इसका काम क्या होता है, तो कहें इट इज यूज टू इनपुट द साउंड। ये आप देख रहे हो वो डायनेमिक माइक्रोफोन है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इट रिसीव्स द साउंड वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ऑडियो सिग्नल्स, और जो भी सिग्नल्स कन्वर्ट होती है वो फिर कंप्यूटर में स्टोर होती है। नेक्स्ट इज द डिजिटाइजर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस इज देयर। ज्यादातर ऐसे हमको हम जब लाइसेंस वगैरह के लिए अपियर होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे डिजिटाइजर फेस आप करते ही हो। डिजिटाइजर एज अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद द स्टाइल्स, जहां पे आप कुछ भी लिखते हो या ड्रॉ करते हो वो कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है और स्टोर होता है, फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको स्टोर किया जाता है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ एनीथिंग एंड इट इज ऑल्सो यूज इन CAD एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD फॉर ड्रॉइंग पर्पस। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज वेबकैम इज देयर। रिसेंटली ऑल लैपटॉप्स आर
have the inbuilt webcams are there, डेस्कटॉप पीसीज होता है उसमें हमको वेबकैम अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो वेबकैम है, इसके दो पर्पस है, एक तो हम सेल्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है या वीडियो चैट करना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज biometric devices are there. Biometric refers to a process in which a person is identified through his or her biological features. पहले तो biometrics क्या होता है कि आपके जो biological features होते हैं जैसे कि eye cornea है, face structure है, fingerprints है, उसको biometrics के माध्यम से प्रोसेस से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको बायोमेट्रिक डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि उसके स्कैनर के अगर हम नाम बोले तो फेस स्कैनर इज देयर, फिंगरप्रिंट स्कैनर इज देयर, हैंड स्कैनर इज देयर, रेटिना और आईरिस स्कैनर इज देयर, वॉइस स्कैनर इज देयर। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस आर देयर। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, कंप्यूटर से वो डेटा रिसीव करता है और ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और अनदर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस, ज्यादातर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड आइदर थ्रू द केबल्स और वायरलेस। Mainly output devices are monitor, printer, projector, speakers and headset. Let us go with each and every output device. First one is monitor, which is called a video visual display unit. इसका काम क्या होता है? तो क्या output को display करना in the form of text, images, audio or video. ये images जो display करता है through the tiny dots are there, which are called the pixels, is your image which you will be seeing in the monitor display, that is made up of the pixels. Monitor is also different types. First one is the CRT monitor, jisko bolte hai cathode ray tube monitor, which is using electron gun concepts. Three guns are inbuilt inside the CRT monitors, red, green and blue color, which can generate the different type of colors. ये जो cathode ray tubes होते हैं वो produce करते हैं beam of electrons through the electron guns and produce the image on the screen. Second type of monitor is LCD monitor is there. Yeah, lightweight as compared to CRT because the electron gun concept is not there. It is using the two layers polarized glass concepts in which the liquid crystal is going to be sandwiched. Or first layer में से light pass होता है, then electric current जो होता है वो liquid crystal में align होता है. And then the light will be passed through the second layer to create the image on the screen. Next is the LED monitor is there. It is also using the concept of liquid crystal, but instead of liquid crystal solution, here the concept of the LED panels are going to be used. And it will produce the more brilliance and greater light as compared to the LCDs and consumes also less power. Another type of monitor is also there, that is called the plasma monitor is there. Plasma ke andar jo concept istemal hota hai, that is the small tiny cells. Cells are made up of what? A noble gases and a small amount of mercury. Jab isme voltage apply hota hai, to jo gas hota hai,
इन द सेल्स, वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मा में एंड दैट विल बी नोन एज ए अल्ट्रावायोलेट दैट क्रिएट्स इमेज ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज द प्रिंटर इज देयर, we know very important device is there because we are getting the output through the computer in a hard copy. It enables user to print images, आप image print कर सकते हो, text or any other information on the paper. Printers are divided into mainly two types, impact printer and non-impact printer. Impact printer is further divided into character printers and line printers, and non-impact printers are laser and inkjet printer. We are going to discuss the impact printer. Impact printer means what? It uses hammer or print pad to print character or images on the paper. Mani iske andar jo hammers hote hai और प्रिंट हेड होता है वो स्ट्राइक होता है पेपर के ऊपर और बीच में रिबन होती है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स और इमेजेस प्रिंट होते हैं. ये आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स एज कैरेक्टर प्रिंटर्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर प्रिंटर्स. कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि दैट विल प्रिंट द सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम, एक ही टाइम पे एक ही कैरेक्टर को वो प्रिंट करता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रिंट हैड और हैमर. क्योंकि ये है तो इंपैक्ट प्रिंटर ही. उसके दो सब टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स एंड डेसीविल. ये जो आप फिगर देख रहे हो दैट इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड दिस इज द डेसीविल प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है तो उसमें पैटर्न ऑफ डॉट्स क्रिएट होते हैं. पानी बार बार डॉट्स का पैटर्न बन के एक कैरेक्टर प्रिंट होता है. उस दौरान जब ये पैटर्न्स क्रिएट होती है तो प्रिंटर का जो हेड होता है उसमें हैमर्स विल बी स्ट्राइक ऑन द रिबन बिहाइंड द पेपर विल बी देयर एंड द डॉट्स विल बी क्रिएटेड ऑन द पेपर. जो ये हेड बना हुआ होता है वो 24 पिन या 9 पिन का हो सकता है. डेसीविल प्रिंटर यहां पे जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं डेसीविल. इट लुक्स लाइक ए डेसी. और ये जो व्हील है वो प्रिंटर में रोटेट होता है. जब पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तब ये व्हील रोटेट होता है और जब पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन आती है तब हेड में स्ट्राइक होता है पेपर के इंक के ऊपर जिससे कैरेक्टर्स एम्बोस होते हैं पेपर के ऊपर. उसकी स्पीड बहुत ही लो होती है, 25 टू 50 कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है एंड दे आर वेरी नॉइसी प्रिंटर्स आर देयर. सेकंड मेन टाइप ऑफ द इंपैक्ट प्रिंटर इज द लाइन प्रिंटर. जैसे कैरेक्टर प्रिंटर एट द सेम मोमेंट कैरेक्टर प्रिंट कर एक कैरेक्टर प्रिंट करता है वैसे लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट करता है. ये ऐसा प्रिंटर है जो 500 टू 3000 लाइन पर मिनट प्रिंट करते हैं. और उसकी मेन जो सब टाइप्स है लाइन प्रिंटर्स वो है ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. ये आप देख सकते हो दिस इज द फिगर ऑफ द ड्रम प्रिंटर एंड दिस इज द चेन प्रिंटर. ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है तो ये ड्रम होता है वो रोटेट होता रहता है और इसके सरफेस के ऊपर कैरेक्टर्स ऑन इट सरफेस. इट हैज अ सेपरेट हैमर फॉर ईच बैंड ऑफ कैरेक्टर्स. अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग हैमर्स होते हैं. वो जब पर्टिकुलर पोजीशन होती है तब ये हैमर्स उसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं और पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं.
ये ड्रम बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट होता है, और यहां पे आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल ड्रम, इट इज कॉल्ड एस, दिस इज द कार्बन रिबन इज देयर, हियर द पेपर इज देयर, एंड दिस आर द हैमर्स आर देयर, विल बी स्ट्राइक ऑन द पेपर, दिस इज द चेन प्रिंटर इज देयर, हियर द चेन विल बी रोटेटेड, लाइक हियर द ड्रम विल बी रोटेटेड, हियर चेन विल बी रोटेटेड, एंड द कैरेक्टर्स आर एम्बोस ऑन द सर्फेस ऑफ द चेन, दिस आर द हैमर्स आर देयर, here the paper is there, when hammers will be struck on the base of these characters which are on the chain, and then at that time this line will be printed on the paper. They can type 500 to 3000 lines per minute. Now we are going to discuss about non-impact printers. Non-impact printer mein direct physical contact nahi hota hai. जो हमने पहले देखा जो हैमर स्ट्राइक होते थे इंपैक्ट प्रिंटर में, उनका फिजिकली कॉन्टेक्ट होता था और उस दौरान कैरेक्टर्स और लाइन्स प्रिंट होती थी, वैसा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में नहीं होता है. और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर एट द सेम मोमेंट पूरा पेज प्रिंट करते हैं, उसकी मेन जो सब टाइप से उसमें जो प्रिंटर्स आते हैं इस कैटेगरी में वो है लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर में जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं उसमें कंसेप्ट होता है लेजर बीम का. लेजर बीम हिट्स द ड्रम विच इज अ फोटो रिसेप्टर एंड ड्रॉज द इमेज ऑन द ड्रम बाय अल्टरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ड्रम. लेजर बीम हिट होता है जो ड्रम को इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, इसके अंदर टोनर होता है जो टोनर के अंदर जो कार्बन पाउडर होता है, ड्रम देन रोल्स द टोनर एंड चार्ज इमेज ऑन द ड्रम फिक्स द टोनर. टोनर को जब जैसे ही चार्ज करता है उसी दौरान उसकी हीट और प्रेशर के द्वारा पेज प्रिंट होता है. इंकजेट प्रिंटर, जैसे लेजर प्रिंटर में टोनर होता है वैसे इंकजेट प्रिंटर में टोनर की जगह पे उसका जो हेड होता है उसके अंदर टाइनी नोजल्स होती है और उसमें इंक का इस्तेमाल होता है. और जो इंक होता है उसके अंदर जो कलर्स होते हैं दैट विल बी द सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा अलग अलग कलर प्रकार के कलर का कॉम्बिनेशन बनता है. और उसके अंदर जो नोजल्स होती है उसमें से ड्रॉप्स इंक के निकलते हैं जो पेपर के ऊपर स्प्रे होते हैं. और उसके माध्यम के द्वारा images and characters are going to be printed. Majority this is used for the color print purpose. ये जो ink होती है वो cartridge के अंदर होती है. Now we are going to discuss the next output device is the projector. Projector से सब लोग परिचित हैं. मॉनिटर हमने देखा है तो उसमें आउटपुट हम देख सकते हैं 14 इंच, 15 इंच, दो लोग तीन लोग सामने बैठ के देख सकते हैं. लेकिन बहुत जब हमको कोई आउटपुट को लार्ज सरफेस में देखना है और बहुत सारे लोगों को देखना है बिग स्क्रीन में या वॉल के ऊपर भी आप रख व्हाइट वॉल के ऊपर भी आप रख डिस्प्ले आउटपुट करना चाहते हो बड़ी स्क्रीन में, उस दौरान प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है. उसमें जो आउटपुट आता है वो कंप्यूटर में से आता है और ये आउटपुट लार्ज सरफेस के ऊपर डिस्प्ले होता है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं.
या कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के साथ, और उसमें लेंस का कंसेप्ट होता है. ये आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टर. हियर द लेंस इज देयर. फ्रॉम हियर द आउटपुट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन सरफेस, स्क्रीन सरफेस. इट यूजेस द लाइट एंड लेंस टू प्रोड्यूस द मैग्निफाइड टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस. अभी के जो प्रोजेक्टर है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द एचडीएमआई, दैट इज कॉल्ड द हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. दिस इज द केबल टाइप इज देयर, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द एचडीएमआई केबल टाइप इज देयर. ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें ये केबल का इस्तेमाल होता है. उससे पहले वाले पुराने जो प्रोजेक्टर्स थे उसमें वीजीए सपोर्ट का इस्तेमाल होता था, जिसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे. Here the, you can see this cable type is the VGA type is there. Next output device is the speaker is there. Everybody knows when you want to, when you listen any music or you are going to play any movie at that time, audio will come out from the speaker itself. So it is called the output device because it will give you the voice. And for that the sound cards are going to be attached on the motherboard. So which we will be able to get the output on the speakers. Next is the output device is the headset. इसमें दोनों चीज होती है, एक तो हम वॉइस भी सुन सकते हैं और इसके साथ अगर माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है तो उसके द्वारा हम इनपुट भी दे सकते हैं. मानी ये दोनों पर्पज के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आउटपुट एज वेल एज टू प्रोवाइड द इनपुट ऑल्सो. अलग अलग टाइप के हेडसेट मीन्स हेडफोन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर ट्यूटोरियल इज द स्टोरेज डिवाइस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने पहले ही ब्लॉक डायग्राम को कंप्यूटर में डिस्कस किया था कि भाई इनपुट यूनिट से इनपुट आता है, आउटपुट यूनिट से आउटपुट मिलता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है. एंड दैट डेटा कैन बी स्टोर एज परमानेंटली और टेम्पररली कैन बी देयर. अभी ये परमानेंटली एंड टेम्पररी मनी क्या, उसके बारे में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में दो प्रकार की डिवाइसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. थ्रू दैट यू विल लर्न that which data is going to be stored permanently and where the data is going to be stored temporarily. Types of storage device, my primary storage device and secondary storage device are divided into based upon these characteristics. Size, okay, by primary storage device ki size small hoti hai as compared to second storage device. So that is the RAM. RAM is the example of primary storage device. Its size is smaller than the hard disk. That is called the secondary storage device. Data retention. इसमें जो data store होता है वो temporary होता है, मानी volatile concept is there. मानी data इसके अंदर permanently store नहीं रहता है, temporary उसका result store होता है. और इसमें जो data store होता है वो permanently store होता है, जिसको हमको future में अगर उसको data को इस्तेमाल करना है तो वो ये यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज में पॉसिबल नहीं है, दैट इज पॉसिबल इन सेड सेकेंडरी स्टोरेज ओनली. तो प्राइमरी स्टोरेज का लोकेशन होता है, मानी जो ये प्राइमरी स्टोरेज लगती है कंप्यूटर में उसका स्टोरेज होता है वो इंटरनल होता है. रैम होता है जैसे मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया था कि मदरबोर्ड पे रैम लगाया जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है. जैसे कि हार्ड डिस्क इनसाइड द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क कैन बी एक्सटर्नल आल्सो कैन बी देयर. सीडी और डीवीडी इज देयर, पेन ड्राइव्स आर देयर, दे आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. एग्जांपल प्राइमरी स्टोरेज में रैम रोम एंड कैश मेमोरी इज देयर, व्हाइल इनसाइड सेकंड स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क कॉम्पैक्ट डिवाइस ड्राइव यूएसबी स्टोरेज डिवाइस. सो वी विल गो इन डिटेल प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस. First one is the RAM is there. You can see here the figure of the RAM is there. That is called the random access memory. This is the volatile memory. It will store the data temporarily. And the data is going to be stored
and then the result we will get at the same moment. It is used for what purpose? Read as well as write. And whenever any data is going to be stored here, and suppose the power failure is there, at that time, data will be removed from this memory. जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और लाइट चली जाती है, तो मूवी वहीं से नहीं शुरू होती है जहां पे आप रुके हुए थे. That movie will be loaded inside the RAM. RAM के भी दो प्रकार है, static RAM and dynamic RAM. स्टैटिक किसको बोलते हैं? कि जो बार बार रिफ्रेश नहीं होती है उसको स्टैटिक रैम बोलते हैं. और डायनेमिक रैम मींस व्हाट? व्हिच इज गोइंग टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली. इसके अंदर जो स्टैटिक रैम होती है उसके अंदर डेटा कब तक रहता है? जब तक पावर रिमेन्स अप्लाइड. इट इज यूजिंग द 6 ट्रांजिस्टर्स एंड इट हैज नो कैपेसिटर्स. And not have to be refreshed on regular basis. जबकि dynamic RAM होती है, it is continually going to be refreshed. उसके अंदर कैसे refresh होती है? तो के through the circuits which will rewrite the data for several or 100 times per seconds. और वो memory cell की बनी हुई होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है. दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, आइदर 0 और 1, एंड इट इज यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर व्हिच विल मेक द मेमोरी सेल. नेक्स्ट इज द कॉल्ड एज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इज द रोम. इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी. माने इसमें डेटा सिर्फ रीड ही होता है, राइट नहीं होता है. और दैट इज कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल. माने इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली रहता है, नॉट लाइक ए रैम. और रोम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोम, ई प्रोम एंड ई प्रोम. फर्स्ट वन इज द प्रोम इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये रोम ऐसी होती है कि जब पहली बार मैन्युफैक्चर इसका होता है तभी इसके अंदर लिखा जाता है डेटा, प्रोग्राम फिट किया जाता है. उसके बाद उसको आप इरेज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सेकंड इज द ईप्रोम इज देयर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज देयर. इसके इस टाइप की रोम के अंदर आप डेटा को इरेज कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. For that purpose, the ultraviolet light is going to be used. Third, ROM is the EEPROM is there, electrical, erasable, and programmable read-only memory. It is programmed and erased by electrically, not ultraviolet. Electrically concept is there. And you can be able to erase and read, reprogram 10,000 and more than that times. Next primary storage device is the cache memory is there, which is a very high speed memory is there, and it is going to be used by the processor. और उसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा रहता है? कि ज्यादातर जिस प्रोग्राम्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें उसका डेटा इस्तेमाल होता है, वो जो स्टोर रहता है वो प्रोसेसर एक्सेस इस मेमोरी में से करता है. इससे हमको स्पीड मिलती है. इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर और इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड ऑन द मदरबोर्ड. और जो एम्बेड होता है वो ये मेमोरी जहां पे लगती है, that is going to be embedded with the processor or in the main random access memory. The processor को processing करने के लिए जो data की requirements होती है, तब पहले वो data अगर available cache memory में होता है तो वहां से ही वो data को receive करके उसको process करता है, जिससे उससे speed हमको मिलती है.
So these are the primary storage devices are there, and now secondary storage devices are there. First one is there, the hard disk drive is there. आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट उसकी साइज आप ज्यादातर देखने को मिलती है 1 TB इज देयर विच इज प्रोवाइडेड इन मैक्सिमम साइज विच वी आर गोइंग नेवर गोइंग टू यूटिलाइज दैट मच इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इज देयर उसके अंदर आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है मानी अभी आपने स्टोर किया है तो आप कभी भी उसमें से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हो तो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर रहता है इसके अंदर क्रेटर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है और जो ये आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड द रीड राइट हेड इज देयर और उसके अंदर प्लैटर्स होती है दैट इज द एयर सील कैशिंग कंसेप्ट आर देयर विच इज द हाउस फॉर दिस प्लैटर्स और जो हेड होता है उसको मैग्नेटिक हेड होता है वो विच इज गोइंग टू मूव रैपिडली ओवर देम As they spin, these platters are going to spin and this head will move to perform the read and write operations. Second type of secondary storage device is the SSD, that is called the solid state drive. जो भी computers वगैरह होते हैं उसमें हमको इस type की drive देखने को मिलती है इसकी ये भारी होता है वजन में SSD, hard disk drives, due to this. प्लेटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स लेकिन ये जो SSD सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है दैट विल नॉट मेड अप ऑफ दिस कंसेप्ट लाइक HDD इसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है लोअर पावर कंजप्शन होता है यस इसके साथ साटा कनेक्शन होता है मानी आप जो देख रहे हो इसके साथ जो केबल जुड़ता है उसको केबल कंसेप्ट इसको साटा केबल कंसेप्ट इज देयर एंड दे विल ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन द स्पीड विल बी द 750 MB टू 1.5 GB पर सेकंड नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज द USB flash drive, इसे आप परिचित ही है दैट इज कॉल्ड द पेन ड्राइव ये जो लगती है वो पोर्ट को बोला जाता है USB पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट सॉरी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एंड दिस इज कॉल्ड द पेन ड्राइव बिकॉज इट्स साइज इज लाइक ए थंब ह्यूमन थंब एंड दे आर वेरी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस इसकी भी साइज 2 GB से लेके 1 TB तक हो सकती है इसमें आप डेटा स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो और ये बनी हुई होती है IC की इसके अंदर में से इट हैज एन इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग एन एम्बेडेड मेमोरी चिप टू स्टोर द डेटा इसके अंदर मेमोरी चिप होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज इज द ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर एंड रीड यूजिंग इसके अंदर जो डेटा रीड होता है वो लेजर बीम कंसेप्ट से होता है और जो डेटा स्टोर होता है is in the spiral patterns you can see here this is the spiral patterns are there there is a concept of the track and sector is there jahan pe data store the bits and regions is the it will be in the zeros and ones base examples are CDs are there DVDs are there compact disc digital versatile disc so let us go with the different type of optical storage devices first one is the compact disc is there Here you can see in the figure compact disc, which is an example of optical storage, secondary storage. CD के अंदर जो data store होता है, उसको हम read कर सकते हैं CD drive के माध्यम से. CD की size होती है
माने उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो सकता है वो 650 से लेके 700 MB तक का आप डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और जो सीडी को रीड करने वाला जो ड्राइव होता है वो या तो इंटरनली आपके सीपीयू के कैबिनेट के अंदर होता है, जो हमने लास्ट फिगर में देखा था, मिली मिस प्रीवियस फिगर्स में, और या तो एसी भी सीडी ड्राइव अवेलेबल होती है जो यूएसबी पोर्ट पे एक्सटर्नली आप अटैच करके उसको सीडी को रीड कर सकते हो। सीडीज आर मेड अप ऑफ द ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीडीज कैन बी देयर। सीडी रोम इज देयर, जिसको आप सिर्फ रीडी कर सकते हो, मानी जब मैन्युफैक्चरिंग उसको किया होता है तब एक बार उसमें डेटा राइट हो जाता है, फिर आप उसको रीडी कर सकते हो, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। सीडीआर इज देयर, दैट इज कॉल्ड द रिकॉर्डेबल। आप डेटा को राइट कर सकते हो लेकिन एक ही बार। और CDRW, इसमें आप डेटा को राइट भी कर सकते हो, इरेज करके वापिस आप राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, मानी रीड राइट कंटिन्यूअसली यू कैन बी एबल टू परफॉर्म अप टू द लाइफ ऑफ द सीडी। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में नेक्स्ट आता है डीवीडी। दिस इज कॉल्ड द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ज्यादातर हम देखते हैं कि भाई जो मूवीज वगैरह होती है वो डीवीडी में हमको अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डेटा। एक से ज्यादा मूवी उसमें स्टोर होती है, वो भी अलग अलग टाइप्स की आती है। इट इज कॉल्ड द डीवीडी आर, डीवीडी माइनस आर, डीवीडी प्लस आर, दे आर कॉल्ड द रिकॉर्डेबल डिस्क। देन दिस इज द डीवीडी माइनस आर डब्ल्यू एंड डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू, दे कॉल्ड द रीराइटेबल डिस्क। माने आप रीराइट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द डीवीडी माइनस आर एंड डीवीडी प्लस आर, दे आर द फॉर्मेटिंग एंड कंपैटिबिलिटी डिफरेंस बिटवीन देम। इससे भी ऑप्टिकल स्टोरेज की इससे डीवीडी से भी ज्यादा कैपेसिटी जो होती है उस को बोला जाता है ब्लू रे डिस्क। हियर यू कैन सी द फिगर ऑफ सोनी कंपनीज ब्लू रे डिस्क इज देयर। उस कैपेसिटी कैन बी द इट कैन स्टोर अप टू द डेटा 27 GB ऑफ डेटा ऑन अ सिंगल लेयर। और अगर एक से ज्यादा लेयर है, दिस आर मेड अप ऑफ द लेयर्स। सो इफ द सिंगल लेयर इज देयर देन इट कैन होल्ड द डेटा अप टू 27 GB। एंड ड्यूल लेयर्स आर देयर, मींस मोर देन वन मींस टू लेयर इज देयर, देन द 54 GB डेटा इट कैन बी स्टोर इन दिस ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। While the CDs and DVDs in that the laser beam concept is there to read the data, but the Blu-ray disc is there in that the blue laser concept is there to read and write the concept or read and write data concept. That's why its name is given as the Blu-ray disc. And last one is the secondary storage device is the SD card is there. That is called the secure digital card. Means the SD full form is the secure digital card. They are called as some common types of memory cards. Or more than you can say the 400 electronic equipments and 8,000 different models, these SD card concepts are going to be used. और उसकी टाइप्स आप देख सकते हो। एसडी, मिनी एसडी एंड माइक्रो एसडी इज देयर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसडी, दिस इज द मिनी एसडी इज देयर एंड दिस इज द माइक्रो एसडी इज देयर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस online tutorial of fundamentals of computer. I hope that I try maximum to cover all the topics. If you have any doubt, you can ask the questions. Thank you very much.